नमस्कार, जीएन भारत देख रहे हैं। सष्टम विधानसभा प्रथम सत्र के अंतिम दिन आज विधानसभा के अंदर यानी सदन के अंदर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हम आपको बता दें कि अनुपूरक जो बजट पेश हुआ था, अनुपूरक बजट जो है इस बार चर्चा का केंद्र रहा, और वही मैया सम्मान योजना जो है जिस तरह से सरकार ने लागू किया है उस पर भी जो है आज चर्चा हुई। जिस तरह से मैया सम्मान योजना पर सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वही मैया सम्मान योजना पर विपक्ष में बैठी भाजपा सहित कई तमाम जो विधायक हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। डुमरी से जेएलकेएम के नेता और विधायक जयराम महतो लगातार इस पर सवाल खड़े करते आए हैं, और इन्होंने भी सदन के अंदर जो है मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़े किए हैं, और वही मीडिया से बातचीत करते हुए भी जो है अपने आक्रामक तेवर पर नज़र आए और उन्होंने कई सवाल जो है खड़े किए हैं। तो जयराम महतो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाते आपको। रांची अपने आवास आएंगे, आवास में क्वार्टर मिले, उस क्वार्टर में रात को आएंगे और सुबह बस की सुविधा से माननीय विधानसभा में आएंगे। जब वो घर से आएंगे उनको टिकट मिले ट्रेन का फ्री में, वो ट्रेन अपने नजदीकी ट्रेन में बैठेंगे और वहां से बैठकर रांची आएंगे। रांची उनको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर में माननीय बैठेंगे और सुबह को उनको बस की सुविधा हो और फिर वहां आएंगे। आप डीए लेंगे, आप यहाँ दिन में 100 रुपया का रसगुल्ला और हलवा खाएंगे और 8,000 रुपया पे महिमा मंडन हो रहा है। पूरा 3 दिन का सदन इसी पे बहस हो रहा है। जैसे आप झारखंड के 24 साल के झारखंड के लोगों को कोई वरदान दे दिया 8,000 रुपया, तो आज इसीलिए हमने स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे बाल में लगाएंगे बनफूल और गरीब के बच्चे लगाएंगे धूल और आप महिमा मंडन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब जवाब नहीं मिला जयराम, जवाब किसमें है जो जयराम महतो के सवाल का जवाब दे सके? देश करे सार्वजनिक, अरे तमाम 12 के 12 मंत्री पहले सर्वे करे कि उनका बेटा उनकी बेटी कौन स्कूल पढ़ती है, पढ़ते हैं, उनका फी क्या है, करे सर्वे। लेकिन क्या स्थिति है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो इस पर एकदम शांत रहते हैं? देखिए हम बीच में नहीं टोकते हैं, हम पक्ष क्या बोल रहा है विपक्ष क्या बोल रहा है हम सब सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं तो सदन सुनता है, हमारे बीच में कोई बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे। सीजीएल पर भी आप वैसी आक्रमक दिखे, बिल्कुल क्यों नहीं दिखेंगे भाई, उस पर भी उदासीन जवाब रहा, कुछ खास क्यों नहीं, गंभीरता नहीं दिखाई गई, कुछ नहीं। देखिए सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आती है। लाठी तो छोड़िए, अगर आप यहाँ छात्रों पर अगर गोलीकांड भी होता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को जो वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है, छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को ही मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को ही मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं चुनाव समीकरण से जीता जाता है, इनके पास वो वोट का समीकरण है। अच्छा, आपने कहा कि स्कॉलरशिप के जरिए जो 2500 दिया, बिल्कुल क्या गलत कहा हमने, ये 18 साल की लड़की को 8,000 रुपया देंगे और महिमा मंडन करेंगे। हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो वो चाट छोला सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसका अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 8,000 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए, लेकिन नजरिया बदले। सरकार तो इसी उपलब्धि बता रही है अपना, उपलब्धि है कि क्या है वो जैसे जैसे दिन बीतेगा पता चलेगा। आपने बैंक का भी कुछ उठाया था मामला, अरे यादव को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए हैं, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे छात्र मैंने विधायकों को भेजिए, यादव को मालूम है नहीं कि हमने कौन सा मामला उठाया, सीडी रेशियो क्या है इनको आधों को मालूम नहीं, क्रेडिट रेशियो बिल्कुल क्या थोड़ा बताइए जरा। देखिए वो रेशियो वो मामला ये है क्रेडिट एंड डिपॉजिट, बिल्कुल उसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा पड़ोसी राज्य के बैंकों को ट्रांसफर करती है, और क्या होता है हमारे राज्य के लोग ग्रसित हैं शोषित हैं, और सबसे मजेदार बात मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं, तो भाई उन पैसों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप युवाओं को लोन दीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, आप महिलाओं को लोन दीजिए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और RBI का गाइडलाइन कहता है कि 70% तक होना चाहिए, झारखंड का 36% है, बाकी जो स्टेट है वो 100% के आसपास हैं, तो आप तुलनात्मक अध्ययन में देखिए कि आप कितने पीछे हैं इन विषयों में। जयराम जी आपने जो बच्चों वाला सवाल उठाया उस पर उनको तकलीफ हुई होगी, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल क्या तकलीफ भाई, 81 ज्यादा कि 3.25 करोड़ ज्यादा, 81 के बच्चों पे हमने सवाल उठाया आपकी हालत खराब हो गई, और 3.5 करोड़ के बच्चे कहाँ हैं, धूल में हैं, सिलेट के जगह प्लेट लेके खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं, 81 के बच्चे मैंने अमृत वाले हो गए और बाकी लोग क्या धूल में पलेंगे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए तभी सरकारी सिस्टम दुरुस्त होगा, नहीं तो कोई बजट का मायने नहीं है, कोई बजट का मायने नहीं, आप कितना भी अच्छा सुंदर बजट क्यों ना लाएं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछला बजट का आपने भी जिक्र किया कि यूज नहीं हो पाया, फिर बिल्कुल जब प्रथम अनुपूरक बजट यूज हुआ ही नहीं तो फिर द्वितीय अनुपूरक बजट जो लेकर आप आए हैं ये केवल और केवल मंत्रियों की शान शौकत बढ़ाने के कार्य आएगा।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।